कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। दोस्तों आज की रेसिपी बड़ी लाजवाब रेसिपी, हम बनाएंगे आटे की पिनिया। दोस्तों सर्दी आती है और हम कोशिश करते हैं ऐसी चीजें बनाएं जो घर में फैमिली को सबको अच्छी रहे, न्यूट्रिशियस रहे, हमें वार्म भी रखे और सारा साल हमारी सेहत भी बनी रहे। दोस्तों इसी वजह से घर घर में आटे की पिनिया, लड्डू बनाए जाते हैं, दाल की पिनिया बनाई जाती है, ताकि हम सर्दियों में हम अच्छे से खुराक लें। दोस्तों पहले पीपा भर के लोग कढ़ाई भर भर के बनाते थे, लेकिन अब वैसा लाइफस्टाइल नहीं रहा और कुछ लोगों ने तो बनानी बंद कर दी क्योंकि सब लोग कैलरी कॉन्शियस हो गए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरह की जरूर चीजें बनाएं, आप थोड़ी खाएं, उतनी ना खाएं जैसे पहले खाया करते थे, चाहिए ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हम सारा साल तंदुरुस्त रहें। तो इस रेसिपी को दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हम बनाएंगे आटे की पिनिया, इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से डाल सकती हैं, ज्यादा भी डाल सकती हैं और कम भी डाल सकती हैं। आप इन पिनियों को बनाएं और मुझे जरूर बताएं आपको कैसी लगी। तो इस देसी रेसिपी, इस पारंपरिक रेसिपी जो मैंने अपनी नानी को बनाते हुए देखा है, हमेशा जब मैं छोटी थी वो जरूर आती थी हमारे घर, साथ में बैठकर बनानी, घंटों घंटों बनाया करती थी। तो मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी बना रही हूँ, थोड़ा खाएंगे, बार बार बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आटे की पिनिया या आटे के लड्डू। दोस्तों इसके लिए मैं 2 कप आटे से बना रही हूँ। आप क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती हैं, आप ज़्यादा लेंगी तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ें बढ़ा सकती हैं। 2 कप आटा ले लें, 2 कप पीसी हुई चीनी लें, चीनी लें उसको बारीक पीस लें, नहीं तो आप टगार या शक्कर या बुरा आता है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चीनी को पीस कर भी बना सकती हैं। दोनों की क्वांटिटी आप सेम रखेंगी, पीसी हुई चीनी और आटे की। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम डाल लें। साथ ही दोस्तों हम ड्राई फ्रूट खूब सारे ऐड करेंगे। मैं इसमें गोला यानी नारियल इस तरह से मैं काट कर ऐड करूँगी, साथ में काजू ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे। खुशबू के लिए आप चाहें तो इसमें आप इलायची ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें मगज़ भी ऐड कर रही हूँ, ये खरबूजे के बीज हैं जिसे मेलन सीड्स कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ताकत के लिए यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और साथ में दोस्तों इसमें गोंद ऐड करेंगे, गोंद को फ्राई करके ऐड करेंगे, 1/2 कप गोंद है और 1 टेबल स्पून के करीब हमें अजवाइन चाहिए होगी। पिनिया बहुत हैवी होती है, इसे हज़म करने के लिए अजवाइन ज़रूरी है। ये टेस्ट भी बढ़ाएगी और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी है, ताकि हाजमा अच्छे से हो जाए तो ये ज़रूर ऐड करेंगे। साथ में हमें सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर है, सूखे अदरक का पाउडर है, इसे भी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और गर्माइश भी रहेगी। पिनिया खाने में अच्छी होगी, खुशबूदार होंगी और वैसे भी सेहतमंद होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम दोस्तों आसानी से घर पर बनाएंगे आटे की पिनिया जो फटाफट बनेंगी, खाने में अच्छी होंगी। और घी दोस्तों हम शुद्ध घी में, देसी घी में ही बनाएंगे। अगर 2 कप आटा लेंगे तो 1.5 कप के करीब आप घी का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बड़ी कढ़ाई लेंगी, उसमें हम ऐड करेंगे घी। तो मैंने दोस्तों 1.25 कप से 1.5 कप के करीब घी ऐड कर दिया, ये देसी घी है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं क्योंकि हमने घी में सबसे पहले फ्राइंग का काम करना है, गोंद को फ्राई करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ और इसे फ्राई करूँगी। जैसे ही गोंद अच्छे से फ्राई होगी, तैर कर ऊपर आ जाएगी और भारी गोंद जो कच्ची होगी वो अपने आप नीचे रहेगी और हल्के हल्के फ्राई होकर सब गोंद तैरने लगेंगी। देखिए गोंद अच्छे से फ्राई हो रही है, फूल कर ऊपर भी आ गई और रंग भी इनका अच्छा हो गया, तो इन्हें निकाल लेते हैं। गोंद बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है, खाने में अच्छी रहती है और ये वैसे भी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए गोंद बहुत अच्छी होती है, तो इसे ज़रूर पिनियों में ऐड करें। इसे तल कर निकाल लेते हैं। तो देखिए गोंद को मैंने तल ली, इसे मैं एक तरफ रख देती हूँ। हम इसे बाद में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दरदरा कूट लेंगे। अब उस घी में चाहें तो दोस्तों हम ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर सकती हैं, जैसे काजू बादाम को, लेकिन मैं ऐसे ही ऐड करूंगी। इन्हें गर्म आटे में जब ऐड करेंगे तो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। आटे को अब हम फ्राई करेंगे दोस्तों। इसमें क्या करें, यही घी है जिसमें हमने गोंद तली थी, अब इसमें आटा डाल रहे हैं। आंच को बिल्कुल कम कर दें, घी बहुत गर्म है, आंच कम करें। इसमें सभी आटे को आप साथ में डाल दें और इसे लगातार चलाती रहें। और अब हम दोस्तों कढ़ाई गर्म है, घी गर्म है, लेकिन गैस कम है, हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 10 मिनट में आटा बहुत अच्छे से भुन जाएगा। जैसे आटा भुन रहा है, साथ ही मैंने देखिए दरदरा कूट लिया है गोंद को, जिसे मैंने अभी फ्राई किया था। और जो ड्राई फ्रूट है दोस्तों, इसे भी मैंने इस तरीके से ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा अच्छा काट लिया है, ताकि ये खाने में अच्छा लगे। आटे को भी दोस्तों इस तरह से लगातार चलाते हुए भुने, आटा फटाफट फ्राई हो जाता है क्योंकि कढ़ाई में घी पहले से गर्म था। तो आप आंच को कम रखते हुए इसे अच्छे से चलाते हुए भून लें। आटा हमारा दोस्तों भुन चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें दोनों जरूरी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, अजवाइन और सौंठ का पाउडर। 2 कप आटे में दोस्तों आप 1-1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें ऐड कर सकती हैं। मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड करूंगी ताकि खुशबू अच्छे से आए और अच्छे से पिनिया जब हम खाएं तो हजम भी हो जाए। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया अजवाइन और 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ड्राई जिंजर पाउडर ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आटा कितने अच्छे से भुन गया है, कलर कितना अच्छा है। अब हम इसमें नट्स ऐड करेंगे। तो मैंने सारे नट्स से मोटे मोटे काट लिए थे, नारियल, काजू, बादाम और थोड़े से मेलन सीड्स भी ऐड किए। दोनों नट्स को काटने के बाद
इनकी क्वांटिटी भी 2 कप के करीब हो गई है। जैसे 2 कप भुना आटा है, 2 कप के करीब बारीक कटे हुए या मोटे कटे हुए नट्स हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। आंच को दोस्तों अभी मैंने कम ही रखा हुआ है, और अब मैं इसमें गोंद ऐड कर रही हूँ। गोंद भी दोस्तों हमने आधी कटोरी कच्ची गोंद ली थी, और उसको तलने के बाद वो इतनी हो गई है, उसे भी अच्छे से ऐड करें और मिक्स कर लें। दोस्तों आप चाहें तो इसमें इलायची के दाने इस तरीके से खोलकर डाल सकते हैं, इससे भी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन मैं इलायची नहीं ऐड करूंगी, मुझे यूं ही खुशबू अच्छी लगती है। गैस को बंद करें और पिन्नी के मिक्सर को दोस्तों किसी और प्लेट में या चौड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दें, ताकि इसकी फर्दर कुकिंग रुक जाए और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। पिन्नियों के मिक्सर को दोस्तों मैंने एक परात में निकाले, इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ही इसमें पिसी चीनी ऐड करेंगे। अगर अभी ऐड करेंगे तो लड्डू सख्त हो जाएंगे, चीनी पक जाएगी, तो अब ठंडा करें पहले। पिनियों का मिक्सर दोस्तों रूम टेम्परेचर पर आ गया है, अब मैं इसे इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसमें 2 कप करीब चीनी ऐड करें, अगर कम मीठा पसंद है तो आप 1.5 कप ऐड कर सकती हैं पिसी हुई चीनी। इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। लड्डू के मिक्सचर में चीनी मिक्स करें और इसे इस तरीके से मुट्ठियों से सख्त दबाते हुए लड्डू बना लें। देखिए मैं इसे लड्डू बना रही हूँ, बहुत अच्छे से लड्डू बन गया, टूट नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है। अगर आपसे लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर सकती है मिक्सर में, फिर लड्डू बनाएंगे तो बन जाएंगे, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बाइंडिंग के लिए घी की जरूरत होती है। इसमें हमने पहले घी अच्छे से डाला है, तो अब और जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों बनकर रेडी होगी आटे की पिनिया, न सिर्फ ये देखने में अच्छी है दोस्तों, खाने में भी स्वाद है और सेहत से भरपूर है। सर्दियों में हम इस तरह की खुराक बनाएं और खाएं तो दोस्तों सारे साल हमारे काम में आती है, ऐसा सब बड़े कहते हैं और मुझे भी लगता है ऐसा ही है। आप खुद बनाएंगी, बच्चों को खिलाएंगी, उन्हें भी आदत रहेगी अच्छी चीज़ खाने की। हाँ, बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह का नहीं है। आप सुबह नाश्ते की जगह एक पिन्नी खा सकती हैं दूध के साथ, तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो एक तो मैं अभी खा रही हूँ। पिन्नी वाकई बहुत अच्छी बनी है, और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी आप ये रेसिपी जल्दी ट्राई करेंगी। अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, और मेरा चैनल कुक विद मोनिका ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।